सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69। ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंस ऑफ कैपिटल देर के अकाउंट एकता, अंकित और चाहत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट और ड्रॉइंग। तो यहाँ पर दिखा है 31 मार्च 2014, तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमारे को 1,50,000, 2,10,000 और 2,70,000 रेस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर, डिस्कवर क्या किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग के ऊपर ओमिटेड होगी, कि ये चीजें यहाँ पर लेना भूल गए, इनके ऊपर आप ट्रांजेक्शन करना भूल गए, अकाउंट के अंदर आपने इनको कंसिडर नहीं किया। लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 कितना था, ये 1,20,000 जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। ड्यूरिंग द ईयर एकता ने कितने निकाल लिए हैं, 24,000, और अंकित और चाहत ने कितने निकाल लिए हैं, 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर के मिड में निकाल लें 24,000। लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कितना किया जाएगा, 5%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा, 10% पर एनम। प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो थी इनकी 1:2:3, ठीक है ना। तो ये हमारा साल हो गया, ठीक है। साल कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल को, और एंड कब हुआ, 31 मार्च को, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है किसकी, दे रखी है ये एकता और अंकित और चाहत की, ठीक है। तो यहां पर एकता की कितनी दे रखी है, 1,50,000। अगर हम बात करें अंकित की, अंकित की कितनी दे रखी है, 2,10,000, ठीक है, ये कितना था, 1,50,000। थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन है हमारे पास, चाहत, चाहत कितनी दे रखी है, 2,70,000, ठीक है, ये हमारे कैपिटल दे दी क्लोजिंग। कहता है इसके अंदर प्रॉफिट ऐड है, प्रॉफिट आप एडजस्ट कर चुके हो, वो भी कितना था प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट था 1,20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, किस रेशियो में, 1:2:3, 3 और 3 कितने हो जाते हैं, 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा, 20,000। तो आपने कितने दिए होंगे, 20, 40 और 60, तो 20,000 कहाँ ऐड है, यहाँ ऐड है, 40 यहाँ ऐड है, और 60 कहाँ ऐड है, यहाँ ऐड है, ठीक है, तो 1,20,000 हो जाता है। उसके बाद कहता है एकता ने ड्रॉइंग की 24,000, और चाहत ने भी, अंकित ने भी 24,000 की थी, तो 24,000 इसमें से माइनस है, ठीक है ना, 24,000, 24,000 और 24,000, सभी ने 24,000 माइनस किया हुआ है, ठीक है। कहता है ओपनिंग कैपिटल निकालो, निकाल देंगे ना, 1,50,000 आपकी क्लोजिंग है, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड है आपका, 20,000 आपका प्रॉफिट ऐड है, और ड्रॉइंग कितनी की है आपने, 24,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1,54,000, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये कितनी थी क्लोजिंग कैपिटल, 210, माइनस कितना करोगे, 24, प्लस कितना करोगे, 24, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अच्छा कैपिटल कितनी माइनस, ये कितना था आपका, प्रॉफिट था ज्यादा, 2,10,000 आपकी कैपिटल थी, माइनस क्या करोगे आप, 40,000, और प्लस क्या करोगे, 24, तो आपके पास आएगा 1,94,000, ठीक है। थर्ड केस की बात करें तो कितना है कैपिटल, 2,70,000, इसके अंदर कहता है 60,000 क्या है, प्रॉफिट ऐड है, माइनस कर देते हैं, और ड्रॉइंग माइनस कर रखी है कितनी, 24,000, प्लस कर देंगे 24,000, तो मेरे पास कितना आएगा, 2,34,000, ठीक है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एकता है, अंकित है और चाहत है, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ए 2 और 3, ठीक है ना, 1, 2, 3 की रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना किया था, 20, 40 और 60, तो इससे कितने लेंगे, 20,000, इससे कितने लेंगे, 40,000, और इससे कितने लेंगे, 60,000, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करोगे आप, 10%, तो 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15,400। सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 19,400। थर्ड केस में कितना हो जाएगा, 23,400, ठीक है। तो तीनों को ऐड करोगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितने कट गए,
58,200, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, किस रेट से, एट द रेट 5% से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने हैं, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्स्ट कितना है 24,000, तो कितना है 24,000 इंटू कितने परसेंट से लेना है, 5% से, तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू कितने मंथ का है, मंथ गिवन नहीं है, तो 6 बाय 12 ले लेंगे। सेकंड केस क्या है, 24 और अंकित और चाहत ने कब निकालने हैं, मिड में निकालने हैं, ठीक है ना, ईच क्वार्टर के। अगर हम बात करें, ये क्वार्टर है हमारे, ठीक है ना, 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का, और फिर 3 मंथ का, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट के मिड में निकाल लिए, ठीक है ना। मिड में निकाल ले तो कितने बचे, यहाँ पर 3 डेढ़ महीना ये कम हो गया, तो कितने बच गए 10.5 मंथ, प्लस क्या करोगे, लास्ट वाले के मिड में निकाल ले तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1.5 मंथ, 0.15 मंथ, तो कितने हो जाते हैं 10 प्लस 8, कितना हो जाता, 10.5 और 1.5 कितना हो जाता है यहाँ पर 12, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, ये कितना हो जाएगा आपका 6 मंथ, तो टोटल इसमें भी 6 मंथ रहेगा और उसमें भी 6 मंथ रहेगा, जो एक के अकॉर्डिंग जितना आंसर बनेगा सभी का सेम ही बनेगा, तो यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाता है 2 से 12, ठीक है ना, ये कितना 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है ना, ये 2 से ये काट दिया 120 पे, ठीक है ना, 120 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 5 से, तो कितना आ जाएगा ये 600 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, तीनों ही केस में आपका 600 600 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, तो 600 इससे चार्ज करेंगे, 600 इससे चार्ज करेंगे, और 600 ही इससे चार्ज करेंगे, और हमारे पास कितने आ जाएंगे 1,800 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देख लिया, आप देखते हैं किसी की सैलरी वगैरह तो नहीं है, कमीशन वगैरह, सैलरी वगैरह क्वेश्चन के अंदर कहीं है, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कहीं हुई तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3, इस रेशियो के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट देखो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1,21,800, ठीक है, 1,21,800 में से अगर आप माइनस करोगे कितना 58,000 जो आप खर्च कर चुके हो, माइनस करोगे 58,200, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा 63,000, और ये 600, 63,600, 63,000 और ये 600, डिवाइड किससे करोगे इसको, 3 और 3 6 से, डिवाइड करोगे इसको 6 से, डिवाइड करेंगे अगर 6 से तो कितना आएगा 10,600, कितना आएगा 10,600, ठीक है ना, इसको देना है एक हिस्सा फर्स्ट को, ठीक है ना, तो 10,600 इसको दे देंगे, इसको कितने देने हैं 2 हिस्से, इंटू 2 कर दो, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 21,200, ठीक है, और थर्ड को कितने हिस्से देने हैं, थर्ड को देने हैं आपने 10,600 × 3, तो मेरे पास कितना आएगा 31,800, ठीक है, आप क्या कर लो, आप इनका टोटल करो, ये कितना आएगा आपका 60,600, ठीक है, ये कितना आएगा 40,600, ये कितना आएगा 20,600, ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो आपका 10,600, ठीक है, 10,600, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0,0, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 26,000 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 4, 40,600, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 3 और 1 4, और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 कितने हो जाएंगे ये 5, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, तो ये टोटल इक्वल हो जाएंगे, ये कितने हैं 60,600, ठीक है ना, और माइनस कितना करोगे इसमें से 55,200, ठीक है, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर आंसर
5400, ये किसकी वजह से आया, ये आया डेबिट की वजह से, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, ये 40600, 40600 यहाँ पर कितना आया, 26000, कितना आया ये 26000 में से माइनस करोगे कितना, 20600 माइनस करो 20600, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 5400। कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा 5400। किसकी वजह से आया ये, क्रेडिट की वजह से। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखोगे, चाहत अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5400 से, और टू क्या लिखोगे, एकता कैपिटल अकाउंट कितने से, 5400 से, ठीक है ना। तो आपने ये एंट्री डाल देनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।